कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था, जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया, मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी एसटी ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है, कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदबा पहनती हैं, हंसूली पहनती हैं, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर, वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे, मालूम है ना किसको देंगे, आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना, मुझे कहने की जरूरत है क्या?